वर्ल्ड कप जीतने के बाद रो पड़े हार्दिक पांडे और दिया चौंकाने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद सबसे ज्यादा इमोशनल हार्दिक पांडे को देखा गया, उन्हें फुट फुट कर रोते हुए देखा गया। वहीं फिर खुद हार्दिक पांडे ने इंटरव्यू में बताया कि आखिर वो क्यों इतना इमोशनल हो गए थे। हार्दिक ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए और साथ ही हार्दिक पांड्या ने बताया कि रोहित शर्मा ने उनके साथ IPL में और अब कैसा व्यवहार किया, क्यों रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को किस तक कर डाला, और वहीं धोनी कोहली पर भी अपना बड़ा बयान दिया। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के जीत से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से शिकस्त देकर भारतीय टीम ने अपने नाम ये खिताब किया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। जीतने के लिए साउथ अफ्रीका के सामने 177 रन का लक्ष्य था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए साउथ अफ्रीका को 169 रन पर ही रोक दिया। भारत 17 साल बाद चैंपियन बनी है। इस मैच में कई हीरो रहे। पहले अक्सर पटेल और विराट ने बल्ले से कमाल किया, वहीं फिर बुमराह और हार्दिक ने गेंदबाजी से मैच पलट दिया। वही दोस्तों, इस जीत के बाद सभी भारतीय खिलाड़ियों को भावुक होकर रोते हुए देखा गया। कोई भी खिलाड़ी अग्रेसिव सेलिब्रेशन नहीं कर रहा था, सभी के आंखें नम हो गए थे और सभी खिलाड़ी रो रहे थे। वही सबसे ज्यादा हार्दिक पांड्या को रोते हुए देखा गया। उनके आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे, वो फुट फुट कर रो रहे थे। हार्दिक को ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा गया। सभी खिलाड़ी आकर उन्हें कंसोल कर रहे थे। हार्दिक भारतीय झंडा लहराकर भी रोते हुए देखा गया, जिसके बाद रोहित शर्मा आते हैं और उन्हें किस करते हैं, ये वाकई में देखने लायक था। वहीं फिर खुद हार्दिक पांडे ने इंटरव्यू में बताया कि आखिर वो क्यों इतना इमोशनल हो गए थे। हार्दिक ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। हार्दिक ने कहा, ये वर्ल्ड कप विन में जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैंने भारत को जीतने में मदद की, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। वो आंसू मेरे खुशी के आंसू थे। पिछले 6 महीने से मेरे साथ जो बीत रहा था, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं की। IPL में मेरे साथ जो हुआ, उसने मुझे काफी ज्यादा डिमोटिवेट किया था। मैंने वो इमोशनल कभी बाहर आने नहीं दिए, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं रोहित और विराट भाई को शुक्रिया कहना चाहूंगा। इस मुश्किल स्थिति में उन्होंने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, जिस वजह से मैं इस वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर पाया। ये वर्ल्ड कप में अपने पिता तो डेडिकेट करना चाहूंगा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, पांड्या ने रोहित शर्मा के बारे में कहा, मेरे साथ पिछले 6 महीने में जो गुजरे हैं वह मैं ही जानता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी यह मौका दूं कि लोग मेरे ऊपर हंसे, इसलिए मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। जहां तक बात है रोहित शर्मा की, वह बेहद शानदार इंसान है और मेरे कप्तान है और हमेशा रहेंगे। साथ ही धोनी और कोहली ने भी मेरे इस करियर में मेरा बहुत साथ दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। धोनी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो कोहली मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह। यह तीनों खिलाड़ी मेरे जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। हार्दिक ने आगे कहा, इस जीत में कई हीरो रहे। कोहली भरी और अक्सर ने जो पारी खेली वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वही गेंदबाजी में बुमराह ने हमें तब मैच में वापसी कराई जब हम मैच पूरी तरह से हार गए थे। वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा डेविड मिलर का वो कैच जो सूर्या ने बाउंड्री पर पकड़ा। दोस्तों, हार्दिक ने खुद बताया कि वो क्यों रो पड़े। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, 17 साल बाद T20 विश्व कप में भारत के चैंपियन बनाने के बाद जब अचानक रोहित कोहली के साथ साथ रविंद्र जडेजा ने कर दिया संन्यास का ऐलान, वो जानकर पूरा हिंदुस्तान सदमे में आ गया। वहीं जडेजा की पत्नी रेवाबा के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन फिर उन्होंने रोहित कोहली के साथ साथ अपने पति की जमकर तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए उनकी तुलना जब कपिल देव जैसे महान खिलाड़ी से की, तब उनका बयान सुनकर तो हर कोई दंग रह गया। तो आखिरकार जडेजा के संन्यास के बाद जडेजा की पत्नी रेवाबा तारीफ में क्या कुछ कहा, ये तो आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह में कौन है भारत के चैंपियन बनने का सबसे बड़ा हीरो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार भारतीय टीम ने 17 साल बाद वेस्टइंडीज की धरती पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के चैंपियन बनकर ट्रॉफी पर कब्जा किया और करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। हर एक भारतीय नागरिक की आंखों में भारतीय टीम की जीत के आंसू नजर आ रहे थे, क्योंकि पिछले साल टीम इंडिया को अपने घर में ऑस्ट्रेलिया ने वनडे विश्व कप में धूल चटाकर दिल तोड़ दिया था। लेकिन अब भारतीय टीम ने हर एक टीमों से बदला लेकर T20 वर्ल्ड
कप जंग टीम जीत ली, टीम इंडिया के चैंपियन बनने से पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा है। लेकिन जब एक ही साथ भारत के तीन खिलाड़ियों ने संन्यास का ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर तो पूरे हिंदुस्तान में उथल पुथल मच गई, जहां तक कि बीसीसीआई को भी कुछ समझ नहीं आया। जी हां, चैंपियन बनने के बाद रोहित कोहली के साथ साथ रविंद्र जडेजा ने टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ये खबर हर एक फैंस का दिल जरूर तोड़ देगी। हर किसी की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, मगर भारत के चैंपियन बनने का जश्न अलग अंदाज में मनाया जा रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं भारतीय खिलाड़ी तो फूट फूट कर मैदान में रो रहे थे। रोहित से लेकर विराट कोहली, यहां तक कि सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ हार्दिक पांड्या की भी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। और इस आंसू से अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये ट्रॉफी हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मगर इन तीनों खिलाड़ियों ने संन्यास लेकर हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं जडेजा की पत्नी रेबावा इन खिलाड़ियों के संन्यास पर भावुक मन से एक ऐसा बयान जारी किया, जिससे कि उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और खूब पसंद आया। उन्होंने जडेजा के लिए तो तारीफ के पुल बांध दिए। तो चलिए अब हम आपको जडेजा की पत्नी का बयान सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने संन्यास पर कहा है। रोहित कोहली और जडेजा के संन्यास पर भावुक मन से रेबावा जडेजा ने बयान देते हुए कहा है कि सपना पूरा हुआ, हम चैंपियन बने, 17 साल बाद चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम की, सबकी आंखों में जीत के आंसू थे, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन रोहित, विराट और जडेजा का एक साथ संन्यास लेना ये सही नहीं था। मेरी आंखें नम हो चुकी हैं, हमारे पास कहने के लिए बिल्कुल भी शब्द नहीं बचे। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक साथ इन महान खिलाड़ियों को संन्यास नहीं लेना चाहिए था। जिस तरह से रोहित ने अपनी कप्तानी में भारत को चैंपियन बनाया, जिस तरह से विराट ने फाइनल्स में जिताऊ पारी खेली, जैसे जडेजा ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भारत को मैच जिताया है, ये तीनों खिलाड़ी अपने आप में महान है। अगर इन तीनों खिलाड़ियों की तुलना कपिल देव सर से की जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मुझे लगता है क्रिकेट एरा खत्म हो चुका है, अभी इन खिलाड़ियों की जगह पर युवा खिलाड़ी राज करने वाले हैं। ट्रॉफी जीतने का सपना था और कर दिखाया। लव यू इंडिया, लव यू जडेजा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से जडेजा की पत्नी रेबावा भी बेहद भावुक हो गई खिलाड़ियों के संन्यास पर। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत के चैंपियन बनने में सबसे बड़ा योगदान किस खिलाड़ी का है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, टी20 विश्व कप में चैंपियन बनते ही खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने खोल दी अपनी पूरी तिजोरी। 100 करोड़ रुपए से अधिक की मोटी रकम देने का कर दिया ऐलान, जिसे सुनकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आंखें तो फटी के फटी रह गई। तो आखिर कप्तान बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, यहां तक कि नसीम शाह और शाहीन अफरीदी जलन के मारे अब क्यों भारत से ही खेलने के लिए जाहिर कर दी है इच्छा। इन सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत के चैंपियन बनने में असली योगदान किस खिलाड़ी का है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में शनिवार को भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से मात दी। बारबाडोस के कैंसिंगटन ओवल मैदान पर खेले गए मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। जवाब में एडम मार्करम की कप्तानी वाली टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही आईसीसी खिताब का सूखा खत्म हुआ। ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पैसों की बारिश की है। बोर्ड ने टीम के लिए 125 करोड़ रुपए प्राइज मनी की घोषणा भी की है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने रविवार को भारतीय टीम को जीत की बधाई दी और उन्होंने एक्स पर लिखा, मुझे टी20 विश्व कप 2024 जीतने के लिए टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और खेल कौशल का प्रदर्शन किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों को वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, सूर्य के चमत्कारी कैच से टीम इंडिया ने हारा हुआ मैच जीतकर पूरी बाजी पलट दी, और यह सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि कई बड़े बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटरों का भी मानना है। जहां शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी से लेकर इंजमामुल हक ने भी अब सूर्य को ही भारत की जीत का बड़ा हीरो बताते हुए जो कहा, उसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान हक्का बक्का रह गया। तो आखिरकार ऐसा क्या कह गए ये पाकिस्तानी महान दिग्गज, उन सबके बयान हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, सूर्य और विराट में कौन था टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हार गया था भारत, लेकिन फिर अंतिम ओवर में रोहित और सूर्य ने मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि मिलर का विकेट तो साथ ही साथ भारत ने हारे हुए मैच को जीत कर भी अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, टी20 इतिहास का सबसे रोमांचक फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया, लेकिन कहानी उसकी अंतिम ओवर की कुछ गजब ही थी। जहां बारबाडोस के मैदान पर भारत की किस्मत शुरू में तो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं थी। टॉस जीतकर रोहित ने सूर्य और पंत इस फाइनल में बुरे तरीके से फ्लॉप हुए, वो तो सलाम है विराट कोहली का जिनके बल्ले से 76 रन निकले। तब जाकर भारत की जान में जान आई और उनके साथ में अक्षर ने 47, दुबे ने 27 रन बनाए, जिसके दम पर हमने 176 रन का टारगेट सेट कर दिया था। अब इसे डिफेंड करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी की, बुमराह और अर्शदीप ने कहर बरपा दिया। हालांकि बीच में अफ्रीकी खिलाड़ियों ने जमकर तबाही मचाई, खास तौर से क्लासेन ने 200 के स्ट्राइक रेट से 52 रन ठोककर भारतीय टीम के छक्के छुड़ा दिए।
हालात यहां तक आ गए थे कि अब अंत में डेविड मिलर टीम इंडिया की जीत और ट्रॉफी के बीच में सबसे बड़ा रूड़ा बनकर खड़े हुए थे। मैच अंतिम ओवर में उनकी तूफानी बल्लेबाजी से पहुंचा था, जहां खैर 6 गेंद पर अफ्रीका को केवल 16 रन चाहिए थे। उन्हें भी पता था कि वे आसानी से यहां से अपनी टीम को जीत दिला देंगे।